गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष पटेल ज्ञान दानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, चैप्टर आपका एंड हो चुका है और मैंने कमिटमेंट भी किया था आपको कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, जिसमें आपके कल जो आपका मैं क्वेश्चन बनाया हूँ ये आपको थोड़ा हार्ड भी मिलेगा और इजी भी मिलेगा। ठीक, क्योंकि जो एग्जाम में जो सीजीएल लेवल की क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो काफी हार्ड हो जाते हैं। ठीक ना, अब उन हार्ड क्वेश्चनों को यहाँ पे हम आपको रखेंगे। ठीक, आप लोग हमेशा ध्यान ये दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे आएगा तुरंत आप अपने कॉपी में नोट करके उसको तुरंत सॉल्व करिएगा। ठीक ना, आज यहाँ पे क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं, अगर हम खुद लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक ना, और उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम एक लेक्चर में अगर लिखते समय हम करेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन आज यहाँ टारगेट बनाएंगे कि 30+ क्वेश्चन सॉल्व कराने के, है ना। तो प्रयास ये करिए कि आप लोग लाइव रहिए। ठीक ना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहिए। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर एक आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका एक ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट का कोड आपका है 1232 2212 0214 11420 लिखा गया हो तो महीनों का कोड क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब सभी लोग विचार करिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, लेफ्टिनेंट का कोड इतना बहुत बड़ा लिखा गया है। ठीक ना, और पूछा क्या गया है महीनों का। अब देखिएगा, अगर हम कोड की बात करें तो एल का कोड कितना होता है 12। ठीक, एल का कोड यहाँ पे कितना मिलेगा 12। ठीक, आगे देखिएगा, आई है, आई का कोड कितना मिलता है 9, लेकिन यहाँ पे कितना रखा गया है 3 रखा गया है। ठीक, तो ये जो आपके स्वर और व्यंजन की पार्ट मैंने आपको बताया था ए ई आई ए ई आई ओ यू। ठीक, अब इन सभी का कोड हम अपने तरीके से ज्ञात करेंगे, कैसे 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब इस पूरे लेटर में जहां पे आपको ये पांचों स्वर दिखाई पड़े, ठीक, तो वहां पे हम कोड क्या रखेंगे, ये सीरियल क्रमांक में है। ठीक ना, सीरियल में ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4 और यू का 5। और इसके अलावा जो व्यंजन आपके बच रहे हैं, व्यंजन, ठीक, व्यंजन आपके जितने भी बच रहे हैं जो उसका कोड वास्तव में होता है अल्फाबेट में जो हम आपको बताए थे वही कोड डायरेक्टली यहाँ पे रखना है। तो पूछ क्या रहा है आपका, मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो का कोड क्या होगा। आप देखिएगा, यह आपका व्यंजन है, इसका कोड डायरेक्ट कितना 13, ए के लिए यहाँ पे कोड कितना मिलेगा 1, यहाँ पे एन है, एन का मतलब सीधा 14 रखा जाएगा, यहाँ पे जी है, व्यंजन है, इसका कोड कितना रखा जाएगा 7 रखा जाएगा, और इसका कोड कितना रखा जाएगा 15 रखा जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल गया, 13 114 715 13 114 715। यानी बेटा आपका विकल्प नंबर एक आपका सही होगा। विकल्प नंबर एक आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, समझ में आ गया सभी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है लंदन, किसी पूर्व भाषा में लंदन, एल ओ एन डी ओ एन, लंदन का कोड क्या है 12 30 28 8 30 28 लिखा गया हो तो फ्रांस का कोड क्या होगा, एम आर ए एन सी ई। क्या पूछा गया है, एफ आर ए एन सी, ठीक, सी ई है, ठीक, ई भी है, फ्रांस का कोड क्या होगा। तो बच्चे आप लोग देख रहे हो, ठीक, कि लंदन, लंदन में जो आपका फर्स्ट लेटर आपका दिया गया है एल, फर्स्ट लेटर आपका दिया गया है एल, ठीक,
तो यार आपका कोड कितना लेता है, 12 नंबर का लेता है, लेकिन आगे क्या बना दिया गया, 24 बना दिया गया। अगला क्या होता है, ओ का 15 है, ठीक, ओ का जब 15 तो उसका कितना बना दिया गया, 30 बना दिया गया। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके कोड ये मिल रहे हैं, ठीक, जो भी आपके कोड ये मिल रहे हैं, कितने गुना पे चल रहा है, 2 गुना को लेकर के चल रहा है। तो इसी प्रकार हम बना देंगे किसका, फ्रेंड्स का, ठीक। जैसे एल का हुआ आपने 12 गुणे 2 कर दो, 12 गुना 24 कोड रखा गया, यानी 2 गुना कोड, जो भी एक्चुअल में कोड होता है उसका कितना गुना, 2 गुना बना के रखा गया है। तो उसी प्रकार इसका देखिएगा, 6 होता है, आर का 18, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का कितना होता है, 5 होता है। बात समझ में, इन सभी की कोड को 2 गुना कर दो, तो 6 का 2 गुना कितना हो गया, 12 हो गया, 18 का कितना हो गया, 36 हो गया, ए का कितना हो गया, 2 हो गया, 14 का कितना हो गया, 14 दुना 28 हो गया, सी का कितना हो गया, 3 दुना 6 हो गया, और 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। बात समझ में आई सभी को, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन देखिए। हाँ ठीक, इसमें आपका कौन सा, दूसरे वाले में कौन सा विकल्प सही मिला आपको, दूसरा वाला, जहां तक है मैं, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको सही मिलेगा, ठीक ना, सॉरी, हाँ ठीक, दूसरा, 12 36 2 28 10, ठीक, सॉरी, यहाँ पे तीसरा विकल्प होगा, जहां पे 100 लिखा गया है, 100 के बजाय वहां पे क्या होगा, 100 के बजाय यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10 होगा, ठीक ना, थोड़ा सा गलती हुई है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा, इसको संशोधन कर लीजिएगा अपने आप में। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्ड वाला नहीं, स्क्रीन पे देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक, स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्ड वाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या निरूपित की गई है, प्रत्येक अक्षर के लिए क्या निरूपित की गई है, विषम संख्या निरूपित की गई है, ठीक, तो ए बराबर 1, बी बराबर कितना, 3, सी बराबर अगला क्या होगा, 5, अगला क्या होगा, 7, अगला क्या होगा, 9, इसी प्रकार कोड को क्या कर दिया गया है, जो भी आपके कोड आए हैं उनको किस अक्षर में रखा गया है, विषम में रखा गया है। तो पूछा क्या है, होटल क्या शब्द, ठीक, इसको मिटा देते हैं, होटल ध्यान दीजिएगा, होटल, ठीक, होटल, H O T E L, होटल के लिए कोड क्या होगा, ठीक, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, होटल के लिए मैच कराइए सब लोग, ठीक, जैसे आपका A बराबर 1 दिया है, B बराबर क्या होगा, 3 होगा, C बराबर क्या होगा, बताइए जल्दी से, 5 होगा, ठीक, अगला क्या होगा, डी होगा, डी बराबर कितना होगा, 7 होगा, उसके बाद ई होगा, ई का कितना होगा, 9 होगा, ठीक, ई एफ, सॉरी, हाँ ठीक है, ई एफ, अगला क्या होगा, 11 होगा, ई एफ, अगला होगा जी, जी का कितना होगा, 13 होगा, एच, एच का कितना होगा, 15 होगा, तो यहाँ पे देखिए एच का कोड मिल गया कितना, 15। बात समझ में आई, इसी प्रकार जो आपका बढ़ेगा ओ का हो जाएगा कितना, 29, आगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, टी का कितना होगा, 39, ई का कितना होगा, 9, ठीक, आगे देखिएगा एल का कितना होगा, एल बताइए जल्दी से, एल का होगा 23, एल का होगा 23, ठीक। आप देखिएगा ऑप्शन में आपका दे रखा है 95, 115, 125 और 105, ठीक, इसका मतलब क्या किया गया है, सभी के, यानी इतना नंबर आने का सीधा एक मतलब होता है भाई, कि इन सभी संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है।
ठीक, तो आप भी वैल्यू रख करके सभी को जोड़ दो, ठीक। तो H का मिला 15, O का कितने मिला गया 29, T का कितना मिलेगा 39, ठीक, E का कितना मिलेगा 9, ठीक, L का कितना मिलेगा 23, ठीक। इन सभी को आपस में जोड़ो, 15, 29, 39, 9 और 23, ठीक। अब आगे देखिएगा, 9 3 12, 12 9 21, 21 9 30, 30 5 कितना 35, 35 के 3 हो गया 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, ठीक, और 3 हासिल कितना हो गया 11, यानी आपका आंसर कितना आएगा 115। विकल्प नंबर 2 आपका सही है, कितना विकल्प नंबर 2 आपका सही है। सभी को समझ में आ गया, फिर से देख लीजिएगा, ये बताया गया है कि जो आपके लेटर थे वर्ड वाला में, जैसे ए का स्थान एक आता था, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि इन सभी के कोड को विषम के रूप में रखा गया है, सीरियल क्रमांक में विषम के रूप में। जैसे एक, अगला क्या होगा, दो तो होगा नहीं सम, अगला 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक, 19, ठीक, 21, 23, 25, इसी प्रकार से क्या रखा गया, विषम के रूप में रखा गया है। बात समझ में आई, ठीक है। अब बना लीजिए कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए से जेड तक, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, ए से जेड तक वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है। कहां तक दिया गया है, 1 से 26 तक दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि ऑपरेशनल, ठीक ना, ऑपरेशनल के लिए कोड क्या होगा, ठीक, लिख देते हैं OP OP ER ER, आगे लिखिएगा ATI ATI ONAL, ऑपरेशनल। बात समझ में आई, अब कह रहा है जितने भी आपके लेटर है 26 लेटर, ठीक, 26 लेटर को 1 से लेकर के 26 तक जितने भी है, इन सभी का कोड ऐसे रखा गया है। तो पूछा गया इसका कोड कितना होगा, तो सीधा आपका है, सिर्फ आपको कोड रख करके उसका क्या मान ज्ञात करना है बस। तो देखिएगा, O का कितना 15, P का कितना 16, E का कितना 5, R का कितना 18, A का कितना 1, T का कितना 20, I का कितना 9, O का 15, सॉरी N का उसके बाद 14, A का कितना 1, फिर उसके बाद L का कितना 12, ठीक। ये क्वेश्चन आपका CGL में आया हुआ है, ठीक, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए कितनी बार आया है, CGL 2014, मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक 2017, ठीक। अगर देखिएगा 10 प्लस 2 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, किसमें 2016 में, 3 बार लगातार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जरूरी नहीं कि केवल CGL में, अब SSC की किसी भी एग्जाम में दे सकता है, स्टेनोग्राफर में दे सकता है, SSC GD में भी दे सकता है, SSC JEE में भी दे सकता है, ठीक, तो जितने भी एग्जाम होते हैं, या CPSI में भी दे सकता है, ठीक है। चलो, तो इन सभी का योग जब करेंगे, इन सभी का योग कर लीजिए आपको 15-16 कितना, ठीक, 15-16 31-35 38-38 41 49-10 49-8 57-20 कितना 87-87 9। अब आगे जोड़ लीजिएगा, बहुत लंबा है ना, आप लोग जल्दी से जोड़िए, हमारे अकॉर्डिंग 126 आना चाहिए, ठीक, 126 का मतलब आपका विकल्प नंबर सी सही है। कितना विकल्प नंबर सी सही है, ऑप्शन सी, ठीक, मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, बस आप लोग सिर्फ समझिए और क्वेश्चन को क्या करिए, नोट करते रहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर पांच के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है अपना पांच, क्वेश्चन नंबर पांच पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। यदि e बराबर पांच, ठीक, एमेंटेमेटन का मतलब 89, तो सेक्रेटरी के लिए कोड क्या होगा, ठीक। फिर से आपका काम वही करना है। आप देखिएगा मैंने आपको पहचान करने के लिए क्वेश्चन का तरीका बताया था, क्वेश्चन कैसे पहचान किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन को आप पहचान ले जाओगे तुरंत वहां से आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, कह रहा है e बराबर पांच, ठीक, एमेंडमेंट 89, तो 89 जो आपका नंबर दिखाई पड़ रहा है, ठीक, इस लेटर के अकॉर्डिंग हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे सब योग किया गया है, ठीक। जी हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, योग किया गया है, ठीक ना। जब आपका योग किया गया है तो सेक्रेटरी के लिए भी क्या होगा, इन सभी के कोड को क्या करेंगे या सॉरी नोट कर लेंगे और उसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी समाप्त किया गया इन सभी लेटर पे कोड का समाप्त, ठीक। लिख लीजिएगा सेक्रेटरी SEC, आगे देखिएगा RETARY सेक्रेटरी, ठीक। इन सभी का कोड लिखे पर्सन, इसका कोड 19, अगला 5, अगला 3, अगला 18, अगला 5, अगला 20, अगला 1, अगला 18, अगला कितना 25, 25, ठीक। इन सभी का जब योग करेंगे तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा 114 के बराबर। 114 मतलब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड, ठीक ना, 114। बात समझ में आई सभी को, देखिए ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर आपको से ज्यादा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत हमको बताइएगा, ठीक, कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है समझ में नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप, ठीक। यदि क्या कह रहा है, यदि a बराबर कितना 1, ठीक, अगला क्या कह रहा है पैट बराबर कितना, जल्दी बोलो 37, तो टैप का बता रहा है TAP टैप, पैट का कोड कितना होगा, TAP टैप, टैप का कोड कितना होगा। देखिएगा जब भाई a का कितना है 1 है, यहां कितना देखिए, यहाँ पे PAT मतलब कितना 37 बताया गया, कहीं कहीं लग रहा है हमको सीधा जोड़ लो भाई, दी रैंक तो है, ठीक। 20 और 16 कितना आ रहा है 36 और एक कितना 37, ठीक। तो देखिए इसी में भी क्या किया गया, बस केवल इसको उल्टा क्रम में कर दिया गया है। इन सभी का योग कितना 20 + 1 + 16 कितना हो गया 37। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, विकल्प नंबर 2। क्लियर सभी को, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये समझ लीजिए आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक। कह रहा है किसी खास कोड में डेफ का कोड कितना 35, 87, लिखते रहे हैं, ठीक। स्क्रीन पर आपको मिल गया होगा लेकिन आपको मैच कराना है तो लिखना पड़ेगा डेफ बराबर कितना 35, 87। अगला क्या है फाइल का कोड लिखिएगा फट से 74, 65, ठीक। आगे देखिएगा पूछा क्या आपसे आइडियल का कोड क्या होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि डीईएफ का कोड इतना
है, फाइल का कोड इतना है, तो आइडियल का कोड क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब भी आपके दो संबंध दिखाई पड़े तो आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, कोड आपको वहीं से निकाल करके इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आई का कोड कितना 4, यहाँ पे रख दो कितना 4, फिर इसके बाद डी का कोड देखिए यहाँ पे कितना है 3, ई का कोड कितना है, ई का कोड कितना है 5, ए का कोड कितना है 8, ठीक, एल का कोड कितना है 6। मैच कराइए आंसर 43586, 43586 चेक करिए, 43586 ऑप्शन नंबर 4, ठीक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान था, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। यदि एग्जामिनेशन का कोड स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक, यदि एग्जामिनेशन का कोड 125 हो तो, ठीक, हार्ड वर्क का कोड क्या होगा? आप देखिएगा इतना लंबा आपका वर्ड है, ठीक, नंबर भी आपका लगभग योग के नुमा चल रहा है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन NATION, एग्जामिनेशन बराबर है 125, पूछा क्या है हार्ड वर्क, HARD, WORK, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए कोड आपसे पूछ लिया है। आप देखिएगा आप लोग इन सभी के लेटर का कोड कर लीजिए, कोड सभी को आपस में जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 125, ठीक। इसी प्रकार क्या करेंगे हार्ड वर्क के लिए, हार्ड वर्क के सभी को सभी के लेटर का योग करेंगे, ठीक, निकालिए भाई आप लोग लिखो कितना आ जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, एच का लिखिएगा 8, 1, 18, 4, W, 23, O, 15, R, 18 और K कितना 11, जोड़ दीजिए सभी को, 8 कितना 9, 9 और 4 कितना 13, 13 10, 23, 23 8 कितना 31, 31 और 20 कितना 51, 51 3 54, 54 और 15 कितना 54, 10 64, 5 और 69, 69 10 79, 79 8 87, ठीक, 87 और 11 कितना 98, ठीक, आंसर कितना आ गया 98, विकल्प में मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये देखिएगा UPPCS प्री एग्जाम 2001 का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ठीक ना, PCS में भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक, देखिएगा कह रहा है बैक बराबर AM, क्वेश्चन क्या कह रहा है बैक बराबर AM और गार्ड बराबर कितना 26, तो गार्ड के सभी लेटर को जोड़ो कितना आ गया 26 आ गया, तो उसी प्रकार बेल के सभी लेटर को जोड़ लो कितना आ जाएगा 31, मौखिक क्वेश्चन, 12, 12, 24, एलएल का देखो 12, 12, 24, 24, 5, 29, 29 और दो कितना 31, आसान क्वेश्चन है भाई, बताइए पीसीएस प्री का आप क्वालिफाई कर गए, समझ लीजिए एक नंबर मिल गया वहां से, ठीक। चलिए कितना आ जाएगा 31, कितना आएगा 31, विकल्प नंबर 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल लेवल 10+2, सॉरी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2002, काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आपको थोड़ा समय देते हैं, लगाइए जल्दी से, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दे दीजिए भाई। चलिए क्या दे रखा है, यदि FED गुणे 3 बराबर कितना 16, 29, 16, 29, ठीक। अगला है BCD गुणे 4 बराबर कितना
492। तो बी ई एफ का संख्यात्मक मान पूछ रहा है, बी ई एफ का संख्यात्मक मान पूछ रहा है। ठीक, देखिएगा एफ ई डी गुणे तीन कितना दे रखा है आपका 1629। तो ध्यान दीजिए कि यहां से एफ ई डी का कोण कितना मिल जाएगा, 1629 बटे तीन, तीन बचे 15, तीन चौका 12, तीन तिक्का 9, 5 4 3, यानी एफ ई डी बराबर 5 4 3। अब देखिएगा सभी में से क्या किया गया है, माइनस एक किया गया है, माइनस क्या किया गया है, एक किया गया है। ठीक, अगला चेक कर लेते हैं क्या इसी नियम पर है। ठीक, अगला चेक कर लेते हैं क्या इस नियम पर है। देखिएगा अगला क्या कह रहा है, बीसीडी, बीसीडी गुणे चार, बीसीडी गुणे चार, वेरी गुड, बीसीडी गुणे चार बराबर कितना 492। चार से इसे क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिए। ठीक, तो बीसीडी का कोण हम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, चार अंका में चार, ठीक, और चार दूना आठ, चार तीन 12, कितना आ गया 1 2 3। देखिए सभी में क्या किया गया है, एक एक घटा दिया गया है, सभी में एक एक क्या किया गया है, घटा दिया गया है। तो उसी प्रकार पूछा है बी ई एफ का संख्यात्मक मान क्या होगा, बी ई एफ, बी ई एफ का संख्यात्मक मान क्या होगा। अब जो भी कोड निकल के आता था सभी में से क्या किया गया है, एक एक घटा दिया गया है। इसका कोण कितना 2, इसका कितना 5, इसका कितना 6, घटा दीजिए, 1 2 में से घटाओ कितना 1 मिलेगा, इसमें से कितना 5 में से घटा तो 4 मिल गया, यहाँ कितना मिल गया 5 मिल गया, आंसर आपका क्या प्राप्त हो गया 145। 145 का मतलब कौन सा विकल्प आपका, विकल्प नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2, ये पार्ट सभी को समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक, केंद्रीय विद्यालय, ये क्वेश्चन आपका और भी हमारे सामने आया था जब मेरा एग्जाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन का कलर ग्रुप का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे सामने, ठीक ना, चलिए मिटा दे इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया, क्वेश्चन आपका है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान है भाई, देखिए एसएससी सीजन 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान है। कह रहा है यदि दिल्ली को 73541 लिखा जाए तो कोलकाता को इतना लिखा जाए, ठीक, तो कलिकट को क्या लिखा जाएगा, ये तो आसान भाई, आप लोग इसको लगा लीजिए, तुरंत बताइए आंसर कितना आएगा इसमें, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा इसमें, हमारे हिसाब से दूसरा आना चाहिए। ठीक, क्योंकि सी का कोड हमें दिखाई पड़ रहा है 8 के रूप में, ठीक, दूसरा नहीं आएगा, ठीक, 8 के रूप में आएगा, यानी 82 51 896 हमारे में आ रहा है, आपने क्या आया भाई, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक 82। ठीक, तीसरा वाला देखिएगा 82 51 896, 82 51 896 में करना क्या है आपको, सीधे भाई मैंने बताया था जब आपको दो संबंध हो तो उसी में से छांट करके आप कोड बना लीजिए बस। ठीक, देखिएगा जैसे सी का कोड पूछा है, सी के लिए कोड कितना है, दूसरे वाले संबंध देखिए 8 है, ए का कोड कितना है, ठीक 2 है, एल का कोड कितना है 5 है, 825, तो ऐसे मैच कर गया, आगे मैच कराने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प नंबर 3 में आपका सीधा सीधा 825 दिखाई पड़ रहा है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सही, ये तो आ गया भाई तुलनात्मक वाला, ठीक, तुलनात्मक वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्व करिए जल्दी से, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए कह रहा है कैपिटल सिटीज आर क्राउडेड को जू सा पी बी लिखा जाता है,
उसी प्रकार आगे दिखेगा क्राउडेड सिटीज क्रिएट चोस का अर्थ है सा बी एन टी आर ओ लिखा जाता है ह्यूज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज क्रिएट कैपिटल का कोड डी बी जब जू एन टी के ए लिखा जाता है इंडस्ट्रियल ठीक या इंडस्ट्रीज आर ह्यूज चोस का अर्थ है का पी रो डब ठीक। तो पूछा क्या गया है कितने क्वेश्चन है भाई इसमें ठीक पूछा गया पहला आपका क्रिएट का कोड क्या है ठीक दूसरा पूछा है आरओ का कोड क्या है ठीक तीसरा आपका कौन सा पूछा है का अर्थ क्या होगा अगला क्या है क्राउडेड मेट्रो सिटीज ठीक। चलिए लगाइए इसको भाई आप लोग जल्दी करिए आ गया सभी का ठीक सॉल्व कर लीजिए भाई जल्दी से फिर हम आगे बताएं इस क्वेश्चन को। सॉल्व हो जाएगा सभी का बिल्कुल ठीक जब आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे फिर बताने का आवश्यकता नहीं है ठीक ना। हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए लेकिन आप लोग अगर जो ना नोट कर पाए तुरंत वो भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए भाई मोबाइल में अपने स्क्रीन शॉट ले लीजिए ठीक लगा लीजिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। हमने 3 संबंध बताया था इसमें 4 संबंध उससे कोई मतलब नहीं है बस आप ध्यान देते रहिएगा कि जो आपके कामन आपके मिलेंगे कामन को तुरंत निकाल दीजिएगा उसका कोड बाहर लिख लीजिएगा आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया है देख लीजिए क्या पे आया है किस एग्जाम में ये आपका है IBPS बैंक PO MTCWE 5 ठीक मेंस 2015 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई ये तो 2015 बहुत ज्यादा दूर नहीं है आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलते हैं RPFSI RPF कांस्टेबल और भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते रहते हैं ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिटा दे रहे इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ गया मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है चलिए इसको हम बता देते हैं भाई है ना देखने थोड़ा भड़काव भी लग रहा है कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं स्क्रीन पर देखिए आप लोग 123 का अर्थ 123 का अर्थ इट इज ब्लैक ठीक। अगला है आपका 345 के लिए क्या है डॉग इज रनिंग डॉग इज रनिंग। नेक्स्ट है 356 इज रनिंग गुड 356 इज रनिंग गुड ठीक। नेक्स्ट है आपका 728 ब्लैक पेट काउ ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 637 काउ इज गुड ठीक। तो पूछा है आपका ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या होगा ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड पूछा है क्या होगा। चलिए अब जो आपका पूछा है इसको हम ध्यान में रखेंगे काउ ब्लैक इज रनिंग इन सभी को हम ध्यान में रखेंगे और संबंध को हम ध्यान से देखेंगे। देखिएगा पहले वाले संबंध में कुछ दिखाई पड़ रहा है यहां से हाँ ब्लैक ठीक अगर इज का मिल जाए इज का भी मिल जाएगा तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो एक एक देखते चलेंगे यहां पे देखिए 3 है यहां पे भी आपका 3 है यहां पे भी इज है और यहां पे भी आपका इज है इसका मतलब इज का कोड क्या प्राप्त हो गया 3 सॉरी यहां पे इज का कोड कितना मिल गया 3 मिल गया बात समझ में आई। आप देखिएगा रनिंग देखिए इसमें भी आपका रनिंग है
इसमें भी आपका रनिंग है, ठीक। यहाँ भी आपके दो थे, तीन पांच और तीन पांच यहाँ भी मैच कर रहा है, ठीक। तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी इससे चौथे पांचवे वाले से इच के लिए तीन है, ठीक। इच के लिए हम यहाँ पे तीन निकाल दिए हैं, तो रनिंग के लिए क्या हो जाएगा, रनिंग और रनिंग के लिए कितना मिल जाएगा, पांच। रनिंग के लिए आपका मिल जाएगा पांच। फिर देखिएगा काउ यहाँ पे है, तीन से तीन इसको काट दो। अगर गुड का हमें प्राप्त चल जाए गुड, तो देखिएगा इसमें और इसमें तीसरे और पांचवे में, तीसरे और पांचवे में क्या था, इज था, इज भी हट गया यहाँ से, ठीक। बचा क्या है, गुड, गुड यहाँ पे है और गुड आपका यहाँ पे है, ठीक। पांच भी आपका यहाँ से कट गया है, बचा क्या है, छह। अच्छा गुड का नहीं निकालना है, किसका निकालना था, काऊ का, ठीक। तो यहाँ भी छह निकाल दो, तो यहाँ से काऊ का कितना मिल जाएगा, सेवन, ठीक। बचा किसका, ब्लैक का। आप बताइए इट है, इट और कहीं नहीं आया ना, नहीं। अब इट के लिए भैया आपका क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, और कहीं आपके दो नजर आ रहे हैं। अच्छा ब्लैक, वेरी गुड, मिल गया यहाँ पे। चौथे वाले संबंध देखिए, यहाँ संबंध देखिए, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे दो कॉमन है, इसका मतलब कितना मिल गया यहाँ पे, दो, ठीक। आपका आंसर क्या मिल गया, 27-35, यानी विकल्प नंबर आपका कितना, दो नंबर, विकल्प दो आपका क्या होगा यहाँ पे, सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आएगा सभी को, जिसको थोड़ा क्वेश्चन में डाउट हो या टाइम लग रहा हो तो भैया क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद टाइम ओवर होने के बाद सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो हमको फिर बताइएगा, हम तो वही है भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, देखिए मिला सभी को, ठीक। देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका, कह रहा है यदि एक कोड में बुद्धिज्म का कोड DWFJKUO लिखा जाता है तो क्रिएशन का कोड क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई कहां पे क्वेश्चन आया, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिए, SSC CGL 2016, SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, ठीक ना। मैंने जैसे आपको कमिटमेंट किया भी था कि जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कराया जाएगा, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो मार्केट में अभी अभी 2019-20 के प्रचलन में चल रहे हैं उसको भी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक। तो परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे, बस आप लोग डटे रहिए, ठीक ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक ना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को फैलाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमको एक अपना सौभाग्य हासिल होगा कि हमारा वीडियो भाई इतने दूर तक जाता है, तो हमको थोड़ा और अच्छे से प्रयास करना होगा और हम मेहनत करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक ना। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो थोड़ा हमको भी एक हमारा भी साहस डाउन हो सकता है, ठीक ना। तो आप लोग प्रयास ये करिए मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, ठीक, हर हाल में एक टारगेट फिक्स करिए और सुबह 8 बजे लाइव चैट पर जरूर मिलिए हमसे, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव चैट रहता हूँ, ठीक। आपका नाम भी बता दिया जाएगा कि आप लाइव चैट हो, ठीक ना। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कुछ दिनों के लिए भैया मोह माया को त्याग दो, ठीक। अगर गर्लफ्रेंड वगैरह आए तो उनको भी छोड़ दो, ठीक ना। हाँ भाई ऐसे मत छोड़ देना, इन्वॉल्व हो जाए फालतू में, ठीक। अपने गाड़ी काम करते रहना, लेकिन हम तो यही कहेंगे गर्लफ्रेंड से थोड़ा दूरी रखो, ठीक। क्योंकि जानते हो ट्रक कभी देखो ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, ठीक। अब जानते हो क्या लिखा जाए, क्यों लिखा गया है, अगर जैसे ट्रक के पास पहुंचो भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार गर्लफ्रेंड भी बनाओगे तो वैसे जैसे उनके पास जाओगे दुर्घटना होगा ही,
दुर्घटना में क्या होता है, कुछ भी फायदा नहीं, सिर्फ आपका लाश ही लाश है। बात समझ में आई? हाँ, तो थोड़ा दूरी बनाए रखो, ठीक। गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन अपने मोबाइल को गर्लफ्रेंड बनाओ बस। जो हमेशा आपको पढ़ाई का मटेरियल देता रहे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को बढ़िया 6-7 बजे तक आपको बढ़िया टाइमिंग देता रहे, ठीक ना, पढ़ते रहिए। जब तक अभी योगी सरकार मोदी सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं भैया लॉकडाउन के लिए, तब तक पढ़ते रहो, ठीक ना। हाँ, लगे रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में नहीं मिल पा रहे, ऑनलाइन तो क्लास मिल रही ना, ऑनलाइन बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मस्ती में रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। हाँ, क्वेश्चन है आपका, वोल्टेज बराबर इतना, क्रिस्टियन बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने आपको नियम भी बताया था, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। लेटर टू नंबर मैंने आपको बता दिया, लेटर टू लेटर आपका चल रहा है। आप देखिएगा सभी के कोड में ध्यान दीजिए, दो दो का एडिशन हुआ है, ठीक। तो अगले में भी दो का एडिशन कर लो, तो जब अगले का भी दो का एडिशन करोगे क्या हो जाएगा, सी में दो जोड़ो यानी तीन में दो जोड़ोगे मिलेगा कितना, 5, फिर 8 2 10 मतलब 6, अगला क्या मिलेगा 20, ठीक। इसका मतलब आपका ई जे टी के यू बी के सी टी, कौन सा आंसर मैच कर रहा भैया, ई जे टी के, ई जे टी के लास्ट में आपका पी है, ठीक, के बी पी के सी पी, ठीक। चौथा ऑप्शन मैच कर गया, चौथा ऑप्शन, ठीक। हाँ ठीक, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, ठीक। सभी में दो दो को जोड़ा गया है, सभी लेटर में दो दो को जोड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर आ गया है, स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक कोड में ब्रदर को इतना लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, ठीक। हाँ ठीक है, अगला देखिएगा, इसी में देखिए ब्रदर को क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा, क्या किया गया भाई, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। हाँ ठीक, वेरी गुड, सभी ने क्या किया गया, 5-5 का एडिशन हो रहा भाई, साफ दिखाई पड़ रहा, 2-5-7, 18-5-23, 15-5-20, 20-5-25, 8-5-13, ठीक, 5-5-10, 18-5-23, सभी में क्या किया गया है, 5-5 को जोड़ा गया है, ठीक। तो स्कूल में भी 5-5 को जोड़ दो, 19-5-24 एक्स आ गया, फिर उसके बाद देखिए 3-5-8 एच आ गया, 8-5-13 एम आ गया, 15-5-20 आ गया, ठीक, 12-5-17 आ गया, यानी XM XHM QQ तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया ओ, ठीक है। हाँ, संशोधन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है राइट करने में, ठीक। चलिए ठीक है, हाँ, तीसरा विकल्प जो आपका ओ दिखाई पड़ रहा है तीसरा, वही आपका सही होना है, ठीक। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा फ्रेंड को, ठीक। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन बोर्ड पर आपके आ गया है, मिल गया क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए, यदि फ्रेंड को, ठीक, एच यू एम जे टी के लिखा जाता है तो सी कोड में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करिए भाई जल्दी से, हो गया सॉल्व। चलिए देखिएगा, फ्रेंड, फ्रेंड का कोड, फ्रेंड में एफ का कोड कितना, 6, 6 में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 6 2 8, ठीक। आर में देखिए कितना जोड़ा गया, 18 3 21, यानी पहले में 2 दूसरे में 3, ठीक, अगले में कितना, 4, अगले में कितना, 5, अगले में कितना, 6, अगले में कितना जोड़ा गया भैया, 7 जोड़ा गया है, यानी सभी में क्या क्या गया, पहले में 2, अगले में 3,
अगले में चार, अगले में पांच, अगले में छह, अगले में क्या जोड़ा गया है? सात। यानी क्रमांक के रूप में चार पांच छह, सॉरी दो तीन चार पांच छह सात को क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है। आप भी जोड़ दीजिए, जोड़ दो, आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ई डी आर आई आर एल, ई डी आर आई आर एल पहला विकल्प, पहला विकल्प सभी का सही आ गया। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ठीक, समझ में आ गया सभी को? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। ठीक, क्या कह रहा है? रेजर का कोड आर ए टी आई ओ एन ओ एक्स क्यू एफ एल के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्मॉल एक्स लिखा गया है ना, वो वास्तव में स्मॉल एक्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्मॉल एक्स हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा, कोडिंग चल रहा है फिलहाल। जब आप सीरीज पढ़ोगे वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसी पे देखिएगा। रेशन, रेशन में क्या किया गया है जल्दी बताइए। ठीक, आ गया सभी का। अब देखिएगा पीछे से कर दीजिए भाई, 18 में से 3 घटाया गया, क्या मिला? 15। ठीक, एक में से 3 घटाया गया, 24 तीन 27, ठीक एक पड़ गया, यानी 26, एक कितना हो जाएगा? पीछे 3 चले जाओ, ए से 3 पीछे चले जाओ। ठीक, यानी सभी में क्या किया गया है? 3-3 को घटाया गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे, लंबर में भी हम क्या करेंगे, 3-3 को घटा देंगे। तो 12 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा? 9। यानी आपका स्टार्टिंग किससे होगा? आई से। अब आई में देखिए दो विकल्प आपका है, दूसरा है, चौथा है। ठीक, मैच भी कराना सीखो ऐसे, क्योंकि पूरा साल करने का कोई मतलब नहीं होता, 2-3 स्टार्टिंग के मिल जाए बस, समझ लो वही है आपका आंसर। अगर देखिएगा 21, 21 मतलब क्या? 3 घटा दो, 18 3 21, आई आर मिल गया। आई से संबंधित दो ही विकल्प थे, दूसरे में टी बता रहा है, इसमें आर बता रहा था, चौथा आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक, वेरी गुड, आपका कौन सा मिल गया? चौथा आपका ऑप्शन सही है। सभी में से क्या किया गया है? 3-3 को घटाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहुंच रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कहां गया भाई? हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। एसएससी सीजीएल 2014 गॉन, क्या है गॉन? जी ओ एन ई, गॉन मतलब आई एल पी बी, आई एल पी बी। ठीक, तो पूछा है क्रिप, सी आर आई बी। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, देख गया ना? ठीक, क्या किया गया है यहां पर? देखो 2 हुआ आगे, फिर यहां पर क्या हुआ? -3, फिर अगला क्या? +2, अगला क्या? -3, सॉरी -3। तो क्या किया गया? पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 3 आपका घटाया गया है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच होगा? चौथा ऑप्शन, ईओ के वाई। ठीक, हाँ पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, कितना मिल जाएगा? ईओ ए वाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक, क्वेश्चन मिला, क्या कह रहा है? यदि किसी कोड में अमाउंट को बी एन पी टी एम एस लिखा गया हो तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा? तो
क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से इसको हम बता देते हैं। अमाउंट, ए एम ओ यू एन टी, अमाउंट का कोड। बी एन पी टी, बी एन पी टी, एम एस लिखा गया हो तो अराउंड के लिए क्या होगा, ए आर ओ यू एन डी, अराउंड के लिए क्या होगा, देखिएगा क्या जुड़ा है, एक जुड़ा अगले में क्या हुआ, एक जुड़ा अगले में क्या हुआ, एक जुड़ा, फिर यहां पर देखिएगा इस वाले पार्ट में एक कम हो गया, फिर अगले वाले में क्या हुआ, एक कम हो गया, फिर अगले वाले में क्या हुआ, एक कम हो गया, यानी पहले तीन लेटर में एक एक जोड़ा गया है, उसके बाद लास्ट के तीन लेटर में एक एक क्या किया गया है, घटाया गया है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक। ये देखिएगा इस टाइप क्वेश्चन मैंने वहां पे नहीं बताया, लेकिन प्रैक्टिस में आपको इस टाइप क्वेश्चन मिल गए। आगे देखिएगा, एक एक कितना, दो, अठारह एक कितना, उन्नीस, पंद्रह एक कितना, सोलह, इक्कीस में से घटा दो कितना हो गया टी, चौदह में से घटा दो कितना मिल गया एम, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना मिल गया सी। बी एस पी टी एन सी, बी एस, बी एस पी टी एन सी, विकल्प नंबर तीन, विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पे सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर मिल गया। हाँ, दिसंबर क्या कहा जा रहा था, दिसंबर, दिसंबर को ईडीईसी ईएमआरई लिखा जाता है, तो फरवरी को क्या लिखा जाएगा, तो फरवरी को क्या लिखा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का है, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप में, है ना। चलिए क्या लिखा गया, दिसंबर डी ई सी ई, डी ई सी ई एम बी ई आर, डी ई सी ई एम बी ई आर, दिसंबर को डी ई ई सी, डी ई, सॉरी उल्टा लिखा है, ई डी लिखा जाएगा, ई डी ई सी बी एम आर ई लिखा गया है, आर ई लिखा गया है, तो फरवरी को क्या लिखा जाएगा, एफ ई बी, एफ ई बी आर यू आर ए वाई, आर यू आर ए वाई, फरवरी का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, डी ई को उल्टा लिखा गया, सी ई को यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, एम बी को उल्टा लिखा गया, आर ई को क्या लिखा गया, उल्टा लिखा गया, यानी दो दो के जोड़ों को बना करके उल्टे क्रम में लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, एफ ई है, क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, यहाँ पे बी आर है, आर बी हो जाएगा, यू आर है, क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, ए वाई है, क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा। बात समझ में आई, कौन सा विकल्प नंबर मिला, चेक करिए, ई एफ आर बी, ई एफ आर बी, आर यू, ई एफ आर बी, आर यू, मैच नहीं कर रहा भाई, क्या आंसर, ई एफ ठीक, आर बी ठीक, आर यू, आर यू ठीक, विकल्प में थोड़ा गलती हुआ भाई, संशोधन कर लीजिए, ठीक ना। अरे सर किसी का फोन आ रहा, हाँ ठीक है, फिर कुल मिला के आपका आंसर यही होगा, विकल्प आप संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से,
जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है यदि डब्ल्यू जेड बी कोड है इसका डे का, तो मंडे का कोड क्या होगा? तो मंडे का कोड क्या होगा बताइए भाई। ये तो अपोजिट लेटर है भाई, आसान हो गया। देखिए सीधा सीधा अपोजिट दिखाई पड़ रहा है आपका, सीजन 2016 में आया क्वेश्चन है। डी का डब्ल्यू, ए का जेड, वाई का बी, उसी प्रकार एम का क्या होगा? एन होगा। ओ का कितना होगा? एल होगा। ठीक, यानी एन किसमें किसमें है? पहला विकल्प मार दो तुरंत आंसर, पहला विकल्प बिल्कुल सही, पहला विकल्प आपका सही आंसर है, पहला विकल्प। ठीक, अपोजिट लेटर में है, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे समझ में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं मौखिक रूप में, देखते हैं आपको एक जो पता चला तुरंत मैच करा दो उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर। देखिए स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, अरे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था भैया ना, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, वाटर को क्या लिखा गया है? YCYGT के रूप में लिखा गया है, तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा? 2013 सीजन लेवल का। ठीक, बिल्कुल सही है, WATER आपके स्क्रीन पर लिखा गया है क्वेश्चन, उसको देखिए WATER। चलिए ठीक है, देखिएगा क्या लिखा गया है, वाटर YCYGT के रूप में लिखा गया है, तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो यहां पे देखिए वाटर में कितना जोड़ा गया, W में कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। 23 2 25, 1 2 3, 20 5 25, ठीक ना। एक चीज यहाँ पे मिसप्रिंट है, सभी लोग इसको सही कर लीजिए भाई। जहां पे लिखा गया है YCY, ये आपका वाई नहीं है, ये आपका बी है, YCB है ना, YCB है। हाँ ठीक है, ये क्या है आपका YCB है। ठीक, हाँ इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, और सभी में क्या जोड़ा गया? 2-2 को जोड़ा गया। ठीक ना, तो क्या कह रहा है आपका, HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा? HKTG के रूप में। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको हम उल्टे क्रम में चलेंगे, इसका मतलब सभी में से क्या करेंगे, 2-2 को हम घटा देंगे, 2-2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर मैच कराइए, FIRE। ठीक, हाँ तीसरा नहीं, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। हेलो, चलिए समझ में आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है न्यूज पर को इतना लिखा गया है, तो स्प्रिंकल को क्या लिखा जाएगा? ठीक, म्यूजिकल का कोड इतना है, बहुत आसान है, देखो सामने दिखाई पड़ रहा है 11-2-13, यानी पहले तो घटाया, अगले में क्या हुआ है? 2 जोड़ा गया है। नियम आपका क्या बना? पहले तो घटेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 2 जुड़ेगा, इसी प्रकार। ठीक, मैच कराइए आप सब लोग, मैच जब कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, QRPK ऑप्शन नंबर थर्ड QRPK LMGG। ठीक, मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसी में से उठा करके रखो, स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन, करा सर्टेन बराबर इतना
शिकायत रहा और इतना अनुकूल भाषा बेचने का मान क्या होगा? ठीक हाँ। आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, आपको कुछ समझ में आ गया? ये तो भाई सब अपोजिट चल रहा है, ये सब तो अपोजिट चल रहा है। देखिए 24-3-27, 22-5-27, 18-9-27 तो रिक्वायर्ड को भी बना दीजिए। रिक्वायर्ड को जब बनाएंगे तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा? IB JF यानी विकल्प नंबर तीन। नोट हो गया सभी का? समझ में आ रहा बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिए। 11 करें बराबर इतना, 6 बराबर इतना। ठीक, तो कैस्केड बराबर कितना होगा? पहले देखिए क्या क्या गया है, 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर अगले में क्या हुआ है? पहले में 2, फिर 3, फिर क्या 4, फिर घट गया। ये तो भाई घट गया कितना? 2, 3, 4 जोड़ा गया था, 2, 3, 4 अगले में घटा दो, यानी पहले 3 लीटर में क्या होगा? 2, 3, 4 जोड़ा जाएगा, लास्ट के 3 लीटर में क्या होगा? 2, 3, 4 को क्या किया गया है? घटाया गया है। बात समझ में आई? ठीक, वेरी गुड। तो आपका इस आधार पे कौन सा नंबर सही होगा? EDWI BP, चौथा आपका आंसर सही हो गया। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। ठीक, चलिए क्या कह रहा है? रोज को इतना लिखा गया है, इसका इतना लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, देखो सभी में क्या किया है, दो दो को घटाया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। देखिए मैंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आप मैंने पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग आज ही हमको बता दीजिएगा क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम जरूर लिखिए और अपने यार दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस जरूर दबाएं। ठीक ना, जितना आप इसको फैलाओगे वीडियो को उतना मेरा भी फायदा होगा, उतना आपको भी फायदा होगा। प्रयास ये कीजिए कि लाइव चैट में आप रहिए। लाइव चैट में जब स्टूडेंट रहते हैं तो वहां से एक कंपटीशन अपने आप में शुरू होता है। ठीक, किसी का आंसर कुछ आता है, किसी का आंसर कुछ आता है, और आपका आंसर अगर सही आ जाता है उस बीच में तो आप एक समझ लीजिए ग्रेट इंसान हो जाते हो, टैलेंट हो जाता है आपका। ठीक ना, ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय।